अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड वीकली रिकैप में मैं हूँ अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखें तो इंटायरली पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। इसकी कुछ वजूहात हमारे न्यूज़ सेगमेंट के अंदर भी डिस्कस होंगी, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार रखिए। वैसे ही ब्रीफली बता दूँ तो मार्केट में मेनली IMF की न्यूज़ की वजह से एक पॉजिटिविटी देखी गई। जो ट्रांच IMF से हमें मिलना है $1.1 बिलियन का, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी, प्लस स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टर्स को रुझान देखने को मिलेगा। अदर देन दैट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक और रिव्यू के लिए टॉक्स IMF के साथ होल्ड की हैं और ये तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर्स तक की डील एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर हमने ये भी देखी कि PIA के हवाले से डेट रीस्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ फाइनली आ गई है। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर चल रही थी और जिसकी वजह से इसका स्टॉक भी अच्छा बूस्ट कर रहा था, उसके हवाले से एक फाइनल अप्रूवल मिली है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली ये होने के जो PIA के प्राइवेट डेट्स हैं वो पब्लिक हो जाएंगे, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो उसका बर्डन संभालेंगे। PIA की जो कैश बुक्स है और एज अ कंपनी के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। PIA का जो स्टॉक है आगे आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। KSE 100 के हवाले से देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन 2000 अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स इस हफ्ते गेन किए। रीज़न जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, इन्वेस्टर्स एक अच्छा रुझान रख रहे हैं। इसके अलावा FIPLIPI डेटा जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उससे भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है और कहाँ मेनली एक सेलिंग चल रही है। इंडेक्स के लिए गुड न्यूज़ एक ये भी रही कि इसने अपना हिस्टोरिक हाई इस हफ्ते टच किया था 67,000 इंडेक्स से ऊपर, लेकिन अभी करेंटली ये 67,000 से स्लाइटली नीचे चल रहे। आज के दिन हमने देखा कि स्लाइटली एक सेलिंग प्रेशर बना और मार्केट की जो रेजिस्टेंस लेवल थी 67,300, वहाँ से मार्केट जो है वो टच करके स्लाइटली नीचे आई। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो 66,100 पे है, लेकिन जैसे फंडामेंटली न्यूज़ अच्छी चल रही है मार्केट में, तो लगता नहीं है कि मार्केट इतनी ज़्यादा ड्रॉप करेगी। FIPLIPI डेटा पे बात कर लेते हैं तो FIPLIPI में हमने जैसे लास्ट वीक भी देखा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी टाइम से एक्टिव रहे मार्केट में, तो इनकी जो मेन बाइंग है वो बैंक्स में रही और ऑफ मार्केट डील्स में रही इन अदर सेक्टर्स। अगेन सेलिंग साइड पे हमने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज सेलर्स रहे और मेन सेलिंग इनकी बैंक्स और अदर सेक्टर्स में आई। LIPI साइड पे देखें तो बाइंग साइड पे मेनली इंश्योरेंस हमें बायर्स देखे और इनकी मेन बाइंग फर्टिलाइजर और बैंक्स में आई। सेलिंग साइड पे कंपनीज या कॉर्पोरेट्स रहे और इनकी मेन सेलिंग बैंक्स और अदर सेक्टर्स में आई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुवेरिया फ्रॉम द के ट्रेड रिसर्च टीम। लेट्स शेड सम लाइट ऑन दिस वीक्स इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले ये कि PBS के डेटा के मुताबिक सेकेंड क्वार्टर फिस्कल 24 में पाकिस्तान शोड अ नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 1% व्हेन कंपेयर टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2-3%, व्हिच इज मेजरली एट्रिब्यूटेबल टू अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 0.84% इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर इसको हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमारी रिवाइज ग्रोथ 2.5%। IMF स्टाफ लेवल अग्रीमेंट पर सक्सेसफुल सेकेंड रिव्यू होने के बाद मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखी गई। गोइंग फॉरवर्ड अगले मंथ में IMF और पाकिस्तान दोबारा मिलेंगे ताकि EFF प्रोग्राम को डिस्कस किया जा सके। इसके अलावा फर्स्ट 8 मंथ्स फिस्कल 24 के अंदर प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन 237% से बढ़ के $759 मिलियन हो गए। इसकी वजह यह कि फॉरन एक्सचेंज आउटफ्लो रिस्ट्रिक्शंस में ज़रा कमी देखी गई है। As of 22nd March, SBB reserves $4 million से बढ़ के $8.02 बिलियन हो गए और टोटल फॉरेक्स रिजर्व $13.4 बिलियन पर स्टैंड करते हैं। साथ साथ इजारा सुकूक ऑक्शन में गवर्नमेंट ने ₹35.7 बिलियन रेज कर लिए अगेंस्ट द टारगेट ऑफ ₹50 बिलियन। कीपिंग इन अकॉर्डेंस विद IMF's conditions, NEPRA ने ₹2.75 पर यूनिट से पावर टैरिफ बढ़ा दिया है ऑन अकाउंट ऑफ क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स फॉर सेकेंड क्वार्टर फिस्कल 24। ये अमाउंट डिस्कोस एंड के इलेक्ट्रिक कंज्यूमर से कलेक्ट करी जाएगी। आगे बढ़ते हुए ये एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट OGDC में गल्फ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देगी। ये इस उम्मीद से है कि OGDC को एक अट्रैक्टिव प्राइस मिल सके, क्योंकि जब 2014 में कंपनी की शेयर होल्डिंग डाइवेस्टमेंट हुई थी तो कंपनी की स्टॉक प्राइस डिक्लाइन शार्पली। इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहाँ पे US का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, विच स्टेम्स फ्रॉम US सैंक्शंस लेवीड अगेंस्ट ईरान। अब एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान एंड US विल होल्ड टॉक्स टू गो अहेड विद दिस, बिकॉज ये प्रोजेक्ट हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी अहम है। कमिंग वीक में इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है, जहां के ट्रेड इज एक्सपेक्टिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 20.4%, whereas द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 20.5%। अगर इन्फ्लेशन इन्हीं लेवल्स पर रहता है तो सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ देखी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल।